मेरा जिंदगी का सब तो खुशहाल दिन है कि एक मैडम जी जो मंत्री रह चुके हैं बहू जी जो मैं काफी टाइम तो जाना इन्हें स्पेशल घर आके मैं मुबारकबाद देना है। मेरे लिए इस तो वही खुशी की गल कोई नहीं है। शहर का किस तरह से रिस्पॉन्स रहा है? बहुत ज्यादा वधिया रिस्पॉन्स रहा है जो मैं सोच रहा नहीं उस तो भी ज्यादा उम्मीद तो उस तो भी वध प्यार मिले मैनू। विद्यार्थी के स्टूडेंट तो आइडल मानते हैं, उन्होंने की संदेश देना चाहोगे? नशे देना चाहना है कि नशे छड़ के तुम जिम आओ। जे तुहाडे कोल किसी तरह की मनी प्रॉब्लम ज कोई भी चीज हैगी ना तो मैं तुहानू फ्री मैंबरशिप देने को तैयार हाँ, पर तुम जिम करो। जिम का मतलब कि जिम करनी है नहीं कि आ गया वारा गर्दी कर ली फोन चला ले है। उन्होंने लिए मैंबरशिप फ्री है कि जो मेहनत करने वाले है वह पर रात 11 बजे आन 12 बजे आने वाले जिम खुली है तो ओपन है 24 घंटे। अज साडे दीनानगर वास्ते बड़े माण ते माण दी गल है कि साडा बलविंदर सिंह जिहड़ा कि इस शेरे पंजाब जिम का ओनर है और जिन्हों प्यार नाल जौंटी के नाम तो बुलाया जाता है, उन्हें यूनीवर्सल चैंपियनशिप दे विच जिहड़ी कि पाकिस्तान वालों ऑर्गनाइज थाईलैंड च की गई सी उहदे विच ब्रोंज और सिल्वर मैडल जिहड़ा है जीत के आया, जिहड़ी कि बहुत ही वड्डी गल है। और बॉडी बिल्डिंग दे विच जीत के आया जिथे 1000 दे करीब पार्टीसपेंट्स आए सी वख-वख कंट्रीज दे विचों। सो यह जीत के आया तो सो इस करके अज असीं इहनूं मुबारकबाद देण आए हां कि बड़ी खुशी की गल है जिथे अज पंजाब पूरी दुनिया दे विच मशहूर हो रहा है कि ड्रग्स के कारण बच्चे जड़े ने नौजवान जड़े ने ये ड्रग्स वल जा रहे ने। सो इत्थे एक बड़ी अच्छी एक मोटिवेशन बच्चों वास्ते पैदा की है बलविंदर सिंह जी ने जिन्होंने जौंटी नाम तो जिवें बुलाया जाता है। इन्होंने एक बच्चों के विच एक बड़ी आस की किरण जड़ी है इन्हों देख के बच्चों के विच जागी है कि जे खेडां वल या किसी भी स्पोर्ट के वल साडे बच्चे उस तरफ ज प्रेरित होन ते साडा मैनू लगता है कि पंजाब फिर तो एक रंगला पंजाब बन जाएगा और जे नशियां तो छुटकारा ता ही हो सकता है जे असीं बच्चों इस पासे लगाइए। सो अज साडे सारिआं वल्लों मेरे परिवार वल्लों भी और सारे दीनानगर वल्लों इन्हां नूं जौंटी नूं बहुत बहुत मुबारकबाद और ये आने वाले समय दे विच जरूर एक रोल मॉडल नौजवानों वास्ते साबित होणगे। और मैनू बहुत खुशी भी हुई कि इत्थे जिन्नियां इस जिम दे विच जिन्ने लड़के आंदे ने उस तो ज्यादा लड़कियां भी इत्थे आंदियां ने जे अपने इत्थे जिम करन वास्ते अपने शरीर नूं तंदुरुस्त रखन वास्ते। सो ये भी बड़ी खुशी की गल है कि कम से कम इन्हां दी मैंबरशिप ही 400-500 इन्हां दे मैंबर्स ने जिहड़े इत्थे रेगूलरली आ के इस जिम का फायदा उठाते हैं। सो मैं समझदी हाँ कि इस तरह के जिहड़े होर भी बहुत सारिया जड़िया पोटेंशियल है वह बच्चों के है और अगे जाके जी खेडों के भी अपना नाँ कमा सकते हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स के अपना नाँ कमा सकते। सो अज बड़े माण और सत्कार की गल है कि साढ़े दीनानगर का नाँ भी इस लैवल तक पहुँचा आ कि जिते बच्चे अपना मैडल जोड़ा है दो मैडल जीत के इतने पहुँचे ने। बहुत बहुत मुबारकबाद दी। देखो अज असी आए हैं इतने जिम के जौंटी जी जड़ा दा असली नाम बलविंदर सिंह है और प्यार नाल जौंटी कहिंदे आ उहनां दे जिम ते आए हाँ। ये पता लग्या सी कि ये वर्ल्ड लैवल दे उत्ते बॉडी बिल्डिंग दा कंपीटीशन लड़ के आए जिहड़ा कि पाकिस्तान ने आर्गनाइज कीता थाईलैंड च और इन्होंने सिल्वर और ब्रोंज मैडल विन किया वर्ल्ड ओवर। पहला तो कंपीट करन जाना ही बड़ा हौसला चाहिए और उसके बाद फिर 1000 के करीब करीब पार्टीसपेंट्स हूँ वक्-वक् देशों तो और उन्होंने जित के आना इंडिया का नाँ रोशन तो किया ही है। पर मैं समझदा वो नाल नाल पंजाब का और खास तौर पर दीनानगर जिहड़ा कि एक सरहदी टाउन है बॉर्डर बैल्ट च है इत्थे कोई बहुत लंबा चौड़ा कोई बिजनेस नहीं कोई कारोबार नहीं पछड़िया इलाका है बॉर्डर टाउन है और इत्थों निकल के जाना और वर्ल्ड लैवल पर कंपीट करना यह बहुत ही एक बहुत वड्डी गल है। मैं समझदा कि दीनानगर का नाँ रोशन किया अज जौंटी ने। मैं समझदा कि साढ़े इलाके वास्ते एक बहुत वड्डा प्रेरणा स्रोत है जिवें तुसीं गल कीती हुई है कि नशिया का दरिया चलता पिया पंजाब दे विच पंजाब की जिहड़ी पंजाबीयत और जवानी है वह या तो बाहर जा रही है जिन्हां दे कोल चार पैसे हैगे ने या कोई जमीन जायदाद बेच के बच्चे अपनी पेरेंट्स जिहड़े उन्हां बच्चों नूं बाहर भेजदे पए ने जिहड़े कुछ छोटे मोटे इत्थे बच जांदे ने
वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन जदों उन्हां नूं कोई कारोबार काम कार नहीं मिलता तो नशे वाले पासे तुर पैंदे आ, उन्हां नूं वापस मोड़न दा और उन्हां नूं मेन स्ट्रीम च लियाउण वास्ते ये बहुत वड्डा उपराला कि उन्हां नूं जिस्मानी तौर दे उत्ते ताकतवर रहण वास्ते अवेयरनैस दिती जावे और उहदे वास्ते इह जे जिहड़े जिम वगैरह ने ऐसे कोच और ऐसे जिहड़े रोल मॉडल ने ये होने बहुत जरूरी है जिहदे नाल पंजाब दी जवानी नूं बचाया जा सके। इहनूं दरकरार नहीं है कि एक स्टेडियम दी सरकारी स्टेडियम जिहदे बच्चे के आके इस तरह दी गेम दे विच रुझान बना सकदे। देखो गल पता की है, साडे पंजाब दा ट्रेंड है कि जिथे भी किते कोई सरकारी जमीन मिलती है सब तो पहला लोकी उन्हूं मलन तुर पैंदे आ, खोखे ला लैणगे कुछ कर लैणगे। जे ये ट्रेंड दे करके ना शहरां दे विच जिहड़ियां सांझियां जमीनां ने उह बचियां ही नहीं। तुहानूं याद होगा कि दीनानगर दे विच मैडम दा अरुणा चौधरी दा बड़ा एक सुपना सी कि मैनूं पार्क मैं चाहनी आ किथे कोई डिवेलप होवे, ते पार्क बनाउण वास्ते सानूं बिजली बोर्ड तों जमीन परचेज करने पई और उस उत्ते गवर्नमेंट का पैसा ला के पार्क बनाई है। और मैनू ये कहंदे आया कोई झिझक नहीं कि जिस दिन वो दीनानगरिया हैंड ओवर किया मैडम ने, तो इन्होंने रिक्वेस्ट भी की कि देखो एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे देना, वो तो चलो मैं करवा दिता गवर्नमेंट की मदद के नाल, पर इसनों प्रोटेक्ट करके रखना साफ सुथरा रखना तो हम दीनानगरिया का काम है। पर अफसोस हों जो उ जाने कि जिहड़ी उत्थे फुहारे लगे दूसरे तीसरे हर चौथे पंजवें दिन उहदियां टूटियां भी लोकी उतार के लै जांदे। सारिआं नूं दीनानगरिआं नूं मैं अज दे दिन भी ये रिक्वेस्ट करांगा कि जिहड़ा भी इंफ्रास्ट्रक्चर इत्थे क्रिएट हुंदा उहनूं बचा के रखणा, ये साडी एक जिहनूं कह सकदे आ प्रॉपर्टी है, साडी जिम्मेदारी है, इहनूं बचा के रखणा चाहीदा। और बाकी रह गई गल पब्लिक दी या जिम वगैरह जिहड़े बनाउणे आ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਓਪਨ ਜਿਮ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਾਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਆਈਟਮਾਂ ਲਗਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮਸਰੂਫ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਦਰ ਨਾਦਰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜਿਮ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੌਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਦੀਨਾਨਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ।